भगवान के नाम का वज्र, भगवान के नाम का शस्त्र, ताली बजा करके जब आप सत्संग करते हैं ना, तो पाप मिट जाते हैं, भाग जाते हैं। भगवान के नाम के सामने कोई पाप ठहर नहीं सकता, सभी भाग जाते हैं। जैसे अग्नि लगने से सबको भय पैदा हो जाता है मरने का, वैसे ही पापों को भगवान का नाम सुनने से भय पैदा होता है और वह भाग जाते हैं। चंचुलाने भगवान शिव और भगवती पार्वती की स्तुति की। भगवान शिव तो भोले हैं ना, उनकी शरण में जो भी जाए सबको गले लगाते हैं, कल्याणकारी हैं, औढ़रदानी हैं, सब कुछ लुटा देने वाले। प्रेम से उनका नाम जप कर ले तो कल्याण जीव का हो जाता है। सोनकादिक ऋषियों ने कहा सूत जी महाराज से, प्रभु कृपा करके आप ये भी तो बताइए कि शिव कथा सुनने की विधि क्या है, कुछ नियम भी तो होगा। कि हां जरूर नियम है, शिव कथा सुनने के लिए व्यक्ति आपके अपने मन में घर से चलने से पहले ही संकल्प कर ले कि हमें शिव कथा सुनने के लिए जाना है, और यथाशीघ्र अपने कामों को फ्री करके और चले आना है। समय पर आइए, शिव कथा सुनने का अगर पूरा लाभ लेना है तो कथा प्रारंभ होने से पूर्व ही आइए, तभी संपूर्ण फल मिलेगा। अब यहां तो भोले भटके लोग आते हैं ऐसे ही, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, मन करा तो बैठ गया, नहीं तो चलने लगे, मन में आई तो पड़ोसन के कान में मुंह रख करके बात करने लग गए। कथा सुनने की बड़ी विधि है, कथा प्रारंभ होने से पूर्व आए, अपने स्थान पर बैठ जाएं शांत भाव से, और कथा के बीच में न बोलें और न ही उठें। कथा को बड़े भाव और श्रद्धा के साथ में श्रवण करें। संसार है, परिवार है, जब तक जीवन है तब तक कुछ ना कुछ लालसा भी है, कामना भी है, कुछ मन में भाव भी आता है कि हमारा ये काम पूरा हो जाए, हमारा वो काम पूरा हो जाए। लेकिन कथा सुनते समय एक आसन से अगर आप बैठे हैं और 7 दिन तक लगातार अपनी उस कामना को मन में लेकर के बैठे हैं, तो भगवान शिव की कृपा 7 दिन के बाद अवश्य पूरी हो जाएगी और आपकी सोची हुई कामना अवश्य पूरी होगी। आप करके देखिए, मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण है। भाव अगर आपके मन में कथा सुनते समय जो भी आता है और एक आसन पर बैठे हैं, कोई बात नहीं, कोई चित नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई भूख नहीं, कोई टेंशन नहीं, अगर ऐसी स्थिति में समाधि भाव में कथा सुनते हैं तो अवश्य आपकी भगवान शिव इच्छा जिज्ञासा को कामना को पूर्ण करते हैं। और शिव कथा में रुचि रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले एक समय सायंकाल भोजन करें, और नहीं रह पाए, कोई दिक्कत है, शुगर है, परेशानी है, टेंशन है, तो उसकी भी कोई चिंता नहीं। चाहे आप 4 बार खाना खाओ, भोजन करो, प्रसाद लो, लेकिन कथा में भाव और श्रद्धा जरूर रखें। नियम तो यह भी बताया गया है कि आप जमीन पर शयन करें, धरती पर गद्दा बिछाएं, वहीं आराम से लेटें, नियम से रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्रोध का, आलस्य का, प्रमाद का त्याग करें, और
तामसी भोजन न करें, नमक मिर्च मसाले ज़्यादा न खाएं। नमक मिर्च मसाले वालों को भी बहुत क्रोध आता है, आवेश में रहते हैं, ऐसा नियम बताया है। भगवान का शिव का नित्य प्रति अभिषेक करें, जलाभिषेक करें या दूध से अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें। बिल्व पत्र का आप भगवान शिव को अर्पण करें। कल आपको मैंने निवेदन किया था, चाहे आपको एक बिल्व पत्र कहीं भी मिले तो उस बिल्व पत्र को भगवान शिव को जरूर अर्पण करिए। और बिल्व पत्र में तो बड़ा भारी गुण है, तीन जन्मों के पाप तो नाश होते ही हैं और आपको भगवान शिव की भी कृपा होती है। और एक बिल्व पत्र चढ़ाने से सहस्र कोटि कन्यादानम, एक बिल्व पत्र शिवार्पणम, एक बिल्व पत्र चढ़ाने से 1000 कन्याओं का विवाह कर दिया, कन्यादान का फल भी मिलता है, क्योंकि भगवान शिव को अति प्रिय है। और जिनके घुटनों में दर्द रहता है, जिनको पैरों से चला नहीं जाता, उनको बिल्व पत्र का सेवन करना चाहिए। वो शिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर दिन में 12 बजे या रात में 12 बजे बिल्व पत्र चढ़ाएं, 3 पत्ते, और चढ़ा करके अपने घर पे ले आएं और उस बिल्व पत्र को आप चबा चबा करके खाएं तो आपका धीरे धीरे पैरों का दर्द चला जाए। जिनको पैरों का दर्द है आप प्रयोग करके देखिएगा। प्रेम से कहिए ओम नमः शिवाय। लहसुन प्याज तामसी भोजन का आप त्याग करें और भगवान शिव की आराधना साधना करें। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।